हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू हमारे स्टडी क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूँ डेफिनेट इंटीग्रल्स का नेक्स्ट पार्ट। तो फ्रेंड्स, इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 66 तक कवर कर चुके थे। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 67 से आगे की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि 67 नंबर जो क्वेश्चन है वो कैसे सॉल्व होगा। तो देखिए, दिया हुआ 67 नंबर क्वेश्चन, लिमिट 0 to 1 टेन इनवर्स एक्स इंटू डी। ठीक है, ये दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, इसका इंटीग्रेशन हम लोग करना है डेफिनेट इंटीग्रल से। ठीक है, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन करना है इसका, तो हम लोग कैसे करेंगे, तो चलिए देखिए इसको कैसे करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से अब सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, लेट कर लेंगे। लेट आई वन इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये लिमिट छोड़कर मान लेंगे। ठीक है, यानी कि टेन इनवर्स एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, ये हो जाएगा हम लोगों का। अब चलिए यहाँ से करेंगे इसका इंटीग्रेशन पहले। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। तो अब देखिए यहाँ क्या छिपा हुआ है, एक्स के अगर ज़्यादा दिक्कत है तो आपको यहाँ एक्स के पावर जीरो छिपा हुआ है ना, वन के जगह पे एक्स के पावर जीरो छिपा हुआ है। ठीक है, उसके बाद चलिए आई लेट, इसमें चलिए यू को पता कीजिए। तो पहले ही इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आ रहा है ना, यानी कि टेन इनवर्स एक्स ही यू हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ से इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो देखिए हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स और ये यू इंटू वी वाले पे, तो यू इंटू इंटीग्रेशन वी इंटू डी एक्स। तो वी क्या, एक्स के पावर जीरो, यानी कि डी एक्स ही डायरेक्ट रखते हैं, डी एक्स का इंटीग्रेशन तो वही ना हुआ, एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो डी एक्स कर दिए। ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी यू बटा डी एक्स है ना, यानी कि डी टेन इनवर्स एक्स बटा डी एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। ठीक है, और फिर ये हो गया इंटू डी एक्स। चलिए आई लेट को हटाते हैं, ये हो गया। ठीक है, अब चलिए यहाँ से आगे चलते हैं। तो देखिए यहाँ हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स और डी एक्स का इंटीग्रेशन आपको मालूम होना चाहिए कि डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो एक्स होता है। ठीक है, अगर दिक्कत है तो समझ लीजिए डी एक्स का इंटीग्रेशन कैसे निकलता है, यानी कि एक्स के पावर जीरो इंटू डी एक्स। अब एक्स के पावर एन वाले फॉर्मूले पे ले गए तो एक्स के पावर एन प्लस वन, यानी कि जीरो प्लस वन बट्टा जीरो प्लस वन, और प्लस यहाँ कॉन्स्टेंट एड कर दीजिए के, तो ये देखिए डेफिनेट इंटीग्रल है, तो यहाँ एड नहीं करेंगे कॉन्स्टेंट। ठीक है, ये हो गया। अब इसको कर लीजिए तो एक्स के पावर वन बट्टा ये वन, यानी कि क्या आ गया, एक्स ही आएगा। ठीक है, तो डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स होता है। ठीक है, ये आपको निकाल कर दिखा दीजिए। चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे। तो देखिए यहाँ से हो जाएगा हम लोगों का माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टेन वर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है वन बट्टा वन प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर यहाँ डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स हो गया, और ये हो गया इंटू ये वाला इंटू डी एक्स हो गया। देखिए यहाँ से हो जाएगा एक्स इंटू टेन इनवर्स एक्स माइनस एक्स इंटू टेन इनवर्स एक्स माइनस ये देखिए हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स बट्टा वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये हुआ। चलिए अब यहाँ से हम लोग करते क्या है, इसको इक्वेशन वन मान लेते हैं। ठीक है, चलिए मान लेते हैं, ज़रूरत पड़ेगा तो देखेंगे, वैसे मान लेते हैं। चलिए अब यहाँ से लेट करेंगे, लेट वाई इक्वल टू मानेंगे इसके इंटीग्रेशन, इसको इंटीग्रेशन करने के लिए हम लोग वाई बराबर मानते हैं वन प्लस एक्स स्क्वायर। डिफ्रेंशिएशन कीजिए तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, वन कॉन्स्टेंट है तो इसका तो डिफ्रेंशिएशन शून्य हो जाएगा और एक्स स्क्वायर डिफ्रेंशिएशन टू एक्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से डी वाई का वैल्यू आ जाएगा, यहाँ से देखिए हम लोग का डी एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, डी एक्स, यहाँ देखिए एक्स इंटू डी एक्स बन रहा है ना, तो यहाँ से आ जाएगा हम लोग का एक्स इंटू डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, इसको मिटाते हैं सॉरी भाई, इसलिए x इंटू डी एक्स, ये टू इधर मल्टीप्लाई इधर का डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 1 बाई टू इंटू डी वाई हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब चलिए अब हम लोग चलते हैं इक्वेशन वन से। समीकरण वन से चलिएगा तो हो जाएगा x इंटू, ये सब किसका वैल्यू निकाला जा रहा है, तो i1 का वैल्यू, सब ये i1 के जगह पे i1 लिख लीजिएगा। ठीक है, एक्स इंटू टेन वर्स एक्स माइनस इसका हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू डी एक्स का पे वन बाई टू इंटू डी वाई, तो आ गया वन बाई टू इंटू डी वाई, और ये हो गया इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर को क्या मैंने वाई, यानी कि वन बट्टा वाई, बट्टा में है इसलिए वन बट्टा वाई कर दिए। ठीक है, देखिए हो जाएगा एक्स इंटू टेन वर्स एक्स माइनस वन बाई टू कॉन्स्टेंट बाहर हो गया, और ये इंटीग्रेशन ऑफ वन बट्टा वाई इंटू डी वाई, यानी कि आ गया एक्स इंटू टेन वर्स एक्स माइनस वन बटा टू, और वन बटा वाई का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो लॉग मॉड वाई होता है। ठीक है, तो हो गया लॉग मॉड वाई। ठीक है, अब चलिए वाई का वैल्यू यहाँ रख देते हैं, तो आ जाएगा एक्स इंटू टेन वर्स एक्स माइनस वन बटा टू इंटू लॉग मॉड वाई बराबर क्या माने वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो वन प्लस एक्स स्क्वायर,
ये हुआ आई वन का वैल्यू, ठीक है। तो भाई ये हम लोग का हुआ इंटीग्रेशन इसका, ठीक है। तो ये आई वन का वैल्यू निकल चुका है, अब चलिए अब हम लोग इसका इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो हम लोग का डेफिनेट इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसे इरेज करते हैं, ठीक है, इस वाले पार्ट्स को इरेज कर देते हैं। तो i बराबर हो जाएगा, इसको पहले नोट कर लेते हैं, x इंटू टेन वर्स x माइनस वन बाई टू लॉग मॉड वन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। और ये लिमिट लाते हैं, लिमिट जीरो टू वन, पहले अपर लिमिट रखते हैं, तो हो जाएगा हम लोग का वन इंटू टेन वर्स वन, ठीक है, ये इंटू है वन इंटू टेन वर्स वन माइनस वन बाई टू लॉग मॉड वन प्लस वन का स्क्वायर वन ही हो जाएगा, ठीक है, ये हुआ। माइनस अब जीरो रखिए तो ये हो जाएगा जीरो, एक्स के जगह पे जीरो रखेंगे ना तो जीरो इंटू इतना यानी कि जीरो, और माइनस ये हो जाएगा वन बाई टू लॉग ये वन प्लस जीरो का स्क्वायर जीरो यानी कि वन ही आएगा, यानी कि लॉग वन हो जाएगा, ठीक है, ये हुआ। तो देखिए यहाँ से हो जाएगा, ये हो जाएगा टेन इनवर्स वन माइनस वन बाई टू लॉग टू माइनस ये माइनस माइनस प्लस वन बाई टू लॉग वन, ये टेन वर्स वन यानी कि टेन इनवर्स टेन पाई बाई फोर, ठीक है, माइनस वन बाई टू लॉग टू प्लस वन बाई टू और लॉग वन का वैल्यू जीरो होता है। तो ये देखिए टेन से टेन वर्स में हुआ तो पाई बाई फोर माइनस वन बाई टू लॉग टू, और ये वन बाई टू में जीरो से मल्टीप्लाई कीजिए तो जीरो ही आ जाएगा, यानी कि यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए भाई ये हुआ हम लोग का क्वेश्चन नंबर 67 का सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसे इरेज करते हैं और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 के तरफ, देखते हैं कि 68 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या दिया हुआ है और उसे हम लोग इजिली कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए 68 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है भाई, लिमिट जीरो टू वन, जीरो टू वन एक्स स्क्वायर इंटू ई के पावर एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है भाई, ये दिया हुआ है, इसका हम लोग इसका इंटीग्रेशन करना है। तो चलिए देखते हैं इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसे हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, तो देखिए यहाँ से पहले आई वन इक्वल टू लेट कर लेते हैं, ठीक है, लेट आई वन इक्वल टू हो गया इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू ई के पावर एक्स इंटू डी एक्स हो गया, ठीक है। अब चलिए यहाँ से यू इंटू वी वाले फॉर्मूला पे करेंगे तो सबसे पहले पहचानना होगा आपको कि यू कौन सा है। तो आई लेट वाले फॉर्मूला पे चलिए, आई से आई लेट, देखिए आई एल ए टी ई, अलजेब्रिक फंक्शन आ रहा है ना पहले, उसके बाद ना ये आ रहा है, ठीक है, तो अलजेब्रिक आ रहा है यानी कि ये यू हो गया, यानी कि एक्स स्क्वायर जो है यू हो गया, ठीक है। अब चलिए इसको इस फॉर्मूला पे सेट कर दीजिए, तो देखिए हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर एक्स इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी यू क्या एक्स स्क्वायर यानी कि डी एक्स स्क्वायर बटा डी एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर एक्स इंटू डी एक्स, और ये हो गया इंटू डी एक्स, ये आ गया एक्स स्क्वायर इंटू ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स हो गया माइनस, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टू एक्स इंटू ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स, और ये हो गया इंटू डी एक्स। तो देखिए यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू ई के पावर एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर एक्स, टू को बाहर कर देते हैं टू, और ये हो जाएगा एक्स ई के पावर एक्स इंटू डी एक्स हो गया, ठीक है। चलिए फिर से अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे यू इंटू वी वाले फॉर्मूला पे इसका, ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू ई के पावर एक्स माइनस टू इंटू, इसमें भी अलजेब्रिक फंक्शन ही यू होगा यानी कि एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर एक्स इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी यू बटर एक्स, यू के जगह पे एक्स है ना तो डी एक्स बटर डी एक्स हो जाएगा, और ये इंटीग्रेशन ऑफ वी इंटू डी एक्स होता है, तो वी वी क्या है ई के पावर एक्स है, तो ई के पावर एक्स इंटू डी एक्स, ये हुआ भाई, ठीक है। इसको बंद कर देते हैं ब्रैकेट से। चलिए जहाँ तक आई होप आप अच्छे ढंग से समझ होंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ से आगे की तरफ चलते हैं, तो देखिए हो जाएगा हम लोग का एक्स स्क्वायर इंटू ई के पावर एक्स
माइनस टू इंटू एक्स इंटू ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन भाई ई के पावर एक्स ही होगा भाई। ई के पावर एक्स वाले में कन्फ्यूज मत होइएगा, ई के पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों सेम ही होता है, यानी कि ई के पावर एक्स ही होता है ठीक है। माइनस चलिए आगे चलते हैं, ई के पावर एक्स और डी एक्स बटा डी एक्स वन हो गया और ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स हो गया और ये फिर इंटू डी एक्स आ गया यहाँ पर। चलिए आगे चलते हैं, तो देखिए हो जाएगा भाई एक्स स्क्वायर इंटू ई के पावर एक्स माइनस टू इंटू एक्स इंटू ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स। चलिए आगे चलते हैं, तो देखिए यहाँ से हो जाएगा फाइनल हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू ई के पावर एक्स माइनस टू से मल्टीप्लाई कीजिए तो आ जाएगा माइनस टू एक्स ई के पावर एक्स और ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस टू ई के पावर एक्स। तो ये हुआ हम लोग का आई वन का वैल्यू ठीक है भाई, यहाँ तक आप अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। अब चलिए यहाँ से आई का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो चलिए यहाँ से कुछ पार्ट्स को इरेज करते हैं ठीक है। अगर आप फ्रेंड्स नोट कर देंगे तो वीडियो पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा, चलिए हम इसे इरेज कर देते हैं। चलिए यहाँ से हो जाएगा हम लोग का I बराबर हो जाएगा, इसको नोट करेंगे एक्स स्क्वायर इंटू ई के पावर एक्स माइनस टू एक्स ई के पावर एक्स प्लस टू ई के पावर एक्स और ये लिमिट जीरो टू वन ठीक है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। चलिए पहले अपर लिमिट रखते हैं यानी कि वन रखते हैं, तो ये हो जाएगा वन का स्क्वायर वन ठीक है, तो वन इंटू ई के पावर वन माइनस टू इंटू वन इंटू ई के पावर वन प्लस टू इंटू ई के पावर वन ठीक है। माइनस अब जीरो रखते हैं तो जीरो का स्क्वायर इंटू इतना यानी कि जीरो ही हो जाएगा, माइनस टू इंटू जीरो इंटू इतना तो ये भी जीरो ही हो जाएगा ठीक है, प्लस ये हो जाएगा टू इंटू ई के पावर जीरो ठीक है ये हुआ। चलिए यहाँ चलते हैं आगे, तो देखिए हो जाएगा ई के पावर वन का वैल्यू ई के पावर ई ही हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा टू ई प्लस ये हो गया टू ई और माइनस ये हो जाएगा ई के पावर जीरो का वैल्यू वन होगा ठीक है। किसी भी डिजिट के पावर अगर जीरो हो तो उसका वैल्यू क्या होता है वन होता है ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस टू इंटू वन ठीक है, डायरेक्ट कर दिए ये माइनस और यहाँ का प्लस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ही होगा। चलिए यहाँ प्लस टू ही और माइनस टू ही कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बच गया भाई केवल ई और यहाँ पे आ जाएगा माइनस टू वन जा टू यानी कि ई माइनस टू इसका राइट आंसर हो जाएगा ठीक है। तो भाई ये हुआ हम लोग का क्वेश्चन नंबर 68 का सोल्यूशन ठीक है, आई होप आप इसे अच्छे ढंग से समझ गए होंगे ठीक है। चलिए इसे इरेज करते हैं और चलते हैं 69 नंबर क्वेश्चन की तरफ, तो चलिए इसे देखते हैं कि 69 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो देखिए 69 नंबर जो क्वेश्चन है दिया हुआ है 69 लिमिट जीरो टू पाई बाई टू लिमिट जीरो टू पाई बाई टू ई के पावर माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स ठीक है, ये दिया हुआ है हम लोग का 69 नंबर क्वेश्चन। तो चलिए इसका हम लोग को इंटीग्रेशन करना है, तो हम लोग कैसे करेंगे तो चलिए करते हैं भाई। सबसे सिंपल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, केवल इसी फॉर्मूला पे बनाना है ठीक है, सभी के लिए आपको ये फॉर्मूला चाहिए ठीक है। चलिए यहाँ से चलते हैं, लेट आई वन इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स ठीक है भाई। ये हुआ आई वन इक्वल टू हम लोगों ने मान लिया। अब चलिए यहाँ से पहले यू का पहचान कर लेते हैं ठीक है, तो आई लेट आई एल ए टी ई पहले तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही आ रहा है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी कि कॉस एक्स जो है हम लोग का यू हो जाएगा ठीक है भाई, यहाँ तक समझ गए। अगर आपको ये पहचानने में दिक्कत हो रहा है भाई तो आपको जाकर इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का वहाँ पे आपको ये जो है बाई पार्ट वाला रूल को समझना होगा अच्छे ढंग से, उसके बाद ही आप इसे बना पाइएगा ठीक है। चलिए यहाँ से आगे चलते हैं, तो देखो भाई हो जाएगा यू इंटू यानी कि कॉस एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर एक्स इंटू डी एक्स ई के पावर एक्स यानी सॉरी भाई ई के पावर माइनस एक्स है यहाँ पे, सॉरी माफ़ कीजिएगा ई के पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी यू बटा डी एक्स, यू क्या है कॉस एक्स है यानी कि डी कॉस एक्स बटा डी एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी इंटू डी एक्स यानी कि ई के पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स और फिर ये हो गया इंटू डी एक्स ये हुआ। चलो भाई आगे चलते हैं, तो हो जाएगा कॉस एक्स इंटू ई के पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन ई के पावर माइनस एक्स, और लेकिन यहाँ पे आपको एक बात याद रखना है भाई ठीक है, बता दें यहाँ देखिए एक्स का कोफिशियंट क्या है माइनस वन है ना, तो माइनस वन से हम लोग इंटीग्रेशन में डिवाइड करते हैं ठीक है, तो माइनस वन से डिवाइड हो गया माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा तो माइनस साइन एक्स हो गया
इंटू, फिर ये इके पर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन इके पर माइनस एक्स बटा एक्स का कोफिशियंट माइनस वन है तो माइनस वन से डिवाइड आउट हो गया इंटू डी एक्स। ये देखिए हो जाएगा माइनस इके पर माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स, और ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई तो प्लस, ठीक है, लेकिन फिर ये माइनस से डिवाइड कीजिएगा तो माइनस ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप अच्छे ढंग से समझेंगे, ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस हुआ, लेकिन इस माइनस से फिर हम डिवाइड करेंगे प्लस में तो माइनस ही आएगा, ठीक है। तो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इके पर माइनस एक्स इंटू साइन एक्स और ये हो गया इंटू डी एक्स, ठीक है। ये सब हम लोग का आई वन का वैल्यू है, ठीक है, यहाँ तक आप अच्छे ढंग से समझे होंगे, ठीक है भाई। चलिए अब यहाँ से आगे चलते हैं, तो देखिए हो जाएगा हम लोग का, फिर इसको यू इंटू वी वाले फॉर्म में एक्सपेंड करेंगे, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो देखिए हो जाएगा माइनस ई के पावर माइनस एक्स, सॉरी भाई, इंटू कॉस एक्स माइनस इंटू, चलिए फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग का, यू जो है साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ से देखिए हो जाएगा साइन एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी इंटू डी एक्स, भी क्या ई के पावर माइनस एक्स और ये हो गया इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी यू बटा डी एक्स, यानी कि डी यू के जहाँ पे साइन एक्स, यानी कि डी साइन एक्स बटा डी एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी इंटू डी एक्स, यानी कि ई के पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स, फिर ये हो गया इंटू डी एक्स, ठीक है, ये हुआ। चलिए आगे चलते हैं, तो देखो भाई हो जाएगा माइनस ई के पावर माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस ये हो गया साइन एक्स, और ई के पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन ई के पावर माइनस एक्स बटा माइनस वन, ठीक है। माइनस साइन एक्स का साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा कॉस एक्स, फिर यहाँ इंटीग्रेशन हो जाएगा इके पर माइनस एक्स बटा माइनस वन इंटू डी एक्स। देखो भाई ये सब रीजन को हम समझा दें कि माइनस वन कैसे आ रहा है, ठीक है। ये जो है डिफरेंस इंटीग्रेशन में होता क्या है कि जब भी एक्स का कोफिशिएंट जो भी रहेगा उससे डिवाइड करना होता है, ठीक है, और वही डिफरेंशिएशन में होता क्या है कि मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ से हो जाएगा माइनस ई के पावर, इसको क्लोज कर देते हैं, माइनस ई के पावर माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस, और यहाँ का माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस हो जाएगा, रुक जाइए पहले अभी मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, माइनस ये हो जाएगा हम लोग का माइनस ई के पावर माइनस एक्स इंटू साइन एक्स, और ये हो जाएगा माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई हुआ प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है, ये हुआ। ये सब I1 के जगह पे हैं, I1 इक्वल टू हो जाएगा माइनस ई के पावर माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स, सब माइनस से मल्टीप्लाई करते तो हो जाएगा प्लस ई के पावर माइनस एक्स इंटू साइन एक्स, और ये हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है, यहाँ तक आप अच्छे ढंग से समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए अब हम करते क्या है, यहाँ से कुछ पार्ट्स को इरेज करते हैं, ठीक है। चलिए ये वाले पार्ट्स को इतना को इरेज कर दिए, तो I1 इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का, ये प्लस वाले को पहले लिखते हैं, तो हो जाएगा ई के पावर माइनस एक्स इंटू साइन एक्स, और इसके बाद इसको माइनस ई के पावर माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस, अब देखिए ये इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स, देखिए तो ये है ना, यही ना है, तो इसके यहाँ पे आई वन नहीं लिख सकते हैं, तो आई वन लिख देते हैं, ठीक है। चलिए इसकी भी ज़रूरत हमें नहीं रही अब, तो ये माइनस आई वन है, और ये इधर में जब आएगा तो प्लस में होगा, यानी कि आई वन प्लस आई वन, यानी कि टू आई वन डायरेक्ट कर देते हैं, और इस दोनों में क्या है ई के पावर माइनस एक्स कॉमन है, स्टेप बच जाएगा इसलिए टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा, इसलिए हम मतलब कि स्टेप को यहाँ से घटा रहे हैं, और यहाँ पर हो गया साइन एक्स माइनस यहाँ पे हो गया कॉस एक्स, देयरफॉर यहाँ से आई वन इक्वल टू आ जाएगा ई के पावर माइनस एक्स बाई टू इंटू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ये हुआ आई वन का वैल्यू। चलो भाई यहाँ से आई का वैल्यू निकालते हैं, तो हो जाएगा हम लोग का ई के पावर माइनस एक्स बाई टू इंटू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और ये लिमिट हो जाएगा जीरो टू पाई बाई टू, यानी कि जीरो टू पाई बाई टू। चलो भाई पहले अपर लिमिट रखते हैं, ठीक है, तो देखो अपर लिमिट रखते हैं, तो हो जाएगा ई के पावर माइनस पाई बाई टू बाई टू, ठीक है, इंटू साइन पाई बाई टू माइनस कॉस पाई बाई टू, ठीक है, माइनस, अब लोअर लिमिट रखते हैं जीरो, यानी कि ई के पावर माइनस जीरो बाई टू इंटू साइन जीरो माइनस कॉस जीरो, ठीक है, ये हुआ। अब चलिए आगे चलते हैं, तो हो जाएगा ई के पावर माइनस फाइव बाई टू बाई टू, और ये साइन नाइन्टी का वैल्यू वन माइनस कॉस नाइन्टी का वैल्यू जीरो माइनस, ये हो जाएगा ई के पावर माइनस जीरो यानी कि वन ही होगा, वन बाई टू इंटू साइन जीरो का वैल्यू जीरो माइनस कॉस जीरो का वैल्यू वन, ठीक है। चलिए यहाँ से अब हम लोग इधर चलते हैं, तो देखिए यहाँ से हो जाएगा ई के पावर माइनस फाइव बाई टू इंटू वन
माइनस वन बाई टू इंटू माइनस वन। देखिए यहाँ से हो जाएगा, यहाँ देखिए कॉस जीरो है, चलिए नोट करते हैं तो नोट कर लीजिएगा, यहाँ हो जाएगा ई के पावर माइनस पाई बाई टू बाई टू और ये हो गया प्लस वन बाई टू। तो देखिए एलसीएम हो जाएगा टू, तो यहाँ आ जाएगा ई के पावर माइनस पाई बाई टू प्लस वन, ठीक है। यानी कि इसको अगर सजा कर लिखे तो हो जाएगा वन प्लस ई के पावर माइनस पाई बाई टू, वन प्लस ई के पावर माइनस पाई बाई टू और बटा में टू, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपके बुक में जो है ये बटा वाला टू जो है नहीं दिया, ठीक है, तो आप सुधार लीजिएगा। तो ये रहा हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 69 का सॉल्यूशन, ठीक है। अब चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। तो चलिए इसे इरेज करके देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ 17 नंबर जो क्वेश्चन है दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 70 दिया हुआ, लिमिट 0 to π/4 e के पावर x इंटू साइन x इंटू dx, ठीक है, ये दिया हुआ। चलिए इसका भी हम लोग इंटीग्रेशन कर लेते हैं। चलिए यहाँ लेट करते हैं, सबसे पहले लेट I1 इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर एक्स इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है, ये हो गया। चलिए इसमें भी आई लेट वाले से आप यू पहचान लीजिएगा, तो यहाँ हम डायरेक्ट कर रहे हैं साइन एक्स यू हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ से हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पहले आता है, ठीक है, तो साइन एक्स यू इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी इंटू डी एक्स, यानी कि ई के पावर एक्स बचा तो वी हो गया, यानी कि ई के पावर एक्स इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी यू बटा डी एक्स, यू क्या है साइन एक्स, यानी कि डी साइन एक्स बटा डी एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी इंटू डी एक्स, ई के पावर एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा, वी ई के पावर एक्स है और ये हो गया इंटू डी एक्स, ठीक है, ये हुआ भाई। अब चलिए यहाँ से आगे चलते हैं, तो देखिए हो जाएगा साइन एक्स इंटू ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो कॉस एक्स हो जाएगा इंटू ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स और ये हो गया इंटू डी एक्स। तो देखिए यहाँ हो जाएगा ई के पावर एक्स इंटू साइन एक्स माइनस यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स। चलिए आगे चलते हैं, तो हो जाएगा ई के पावर एक्स इंटू साइन एक्स माइनस, चलिए फिर यहाँ कॉस एक्स जो है हम लोग का यू हो जाएगा, यानी कि कॉस एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर एक्स इंटू डी एक्स, इसको यू इंटू वी वाले फिर मतलब इस पर इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी यू बटा डी एक्स, यानी कि डी कॉस एक्स बटा डी एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी इंटू डी एक्स, यानी कि ई के पावर एक्स इंटू डी एक्स, ये हुआ। चलिए आगे चलते हैं, तो हो जाएगा ई के पावर एक्स इंटू साइन एक्स, ठीक है, माइनस कॉस एक्स इंटू ई के पावर एक्स माइनस इंटीग्रेशन कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स और इसका इंटीग्रेशन हो गया ई के पावर एक्स और ये हो गया इंटू डी एक्स। तो हो जाएगा ई के पावर एक्स इंटू साइन एक्स माइनस ये हो जाएगा ई के पावर एक्स इंटू कॉस एक्स और ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई तो प्लस और इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर एक्स इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स। चलिए आगे चलते हैं, तो आई वन इक्वल टू हो जाएगा ई के पावर एक्स इंटू साइन एक्स माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए तो हो जाएगा माइनस ई के पावर एक्स इंटू कॉस एक्स, यहाँ भी हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर एक्स इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। अब देखिए ये जो है ये देखिए यहाँ है, इसके जगह पे क्या है, यहाँ पे आई वन है ना, यहाँ पे आई वन है ना, तो अब आई वन इसके जगह पे रख देंगे, ठीक है। तो देखिए आ जाएगा आई वन इक्वल टू ई के पावर, इस दोनों में से ई के पावर एक्स कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ आ जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और ये माइनस इतना के जगह पे है, बताएं आई वन है तो आई वन कर लिए, ठीक है। चलिए यहाँ से कुछ स्टेप को मिटा देते हैं, ठीक है, तो चलिए यहाँ से इधर में मिटा देते हैं। तो देखिए यहाँ से हो जाएगा ये माइनस में आई वन है, इधर आएगा तो प्लस होगा ना, यहाँ पे आएगा इधर में तो प्लस होगा, यानी कि आई वन प्लस आई वन यानी कि टू आई वन हो जाएगा बराबर ई के पावर एक्स इंटू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, देयर फोर आई वन इक्वल टू हो जाएगा ई के पावर एक्स, ये टू मल्टीप्लाई इधर आकर डिवाइड हो गया साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ठीक है, ये हुआ। चलिए अब हम लोग का यहाँ तक तो हो गया, अब चलिए यहाँ से आई के वैल्यू निकाले, तो देखिए हो जाएगा हम लोग का ई के पावर एक्स बाई टू इंटू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, लिमिट लगाता है लिमिट 0 to π/4। चलिए अब यहाँ से पल अपल में रखते हैं, तो हो जाएगा ई के पावर π/4
बाई टू इंटू साइन पाई बाई फोर माइनस कॉस पाई बाई फोर माइनस, अब लोअर लिमिट रखते हैं जीरो, यानी कि के पर जीरो बाई टू इंटू साइन जीरो माइनस कॉस जीरो। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हो जाएगा हम लोगों का। अब देखिए साइन पाई बाई फोर का वैल्यू आपको मालूम होना चाहिए कि क्या होता है। ठीक है, यानी कि पाई बाई फोर क्या हो जाएगा 45 डिग्री, तो साइन 45 का वैल्यू क्या होता है 1/√2। चलिए यहाँ से चलते हैं आगे, तो हो जाएगा ई के पावर पाई बाई फोर बाई टू इंटू ये हो जाएगा 1/√2 माइनस कॉस 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 ही होता है। माइनस ये हो जाएगा ई के पावर जीरो यानी कि 1/2 इंटू साइन जीरो का वैल्यू जीरो माइनस कॉस जीरो का वैल्यू 1। ये देखिए, अब देखिए यहाँ से हो जाएगा ई के पावर पाई बाई फोर बाई टू इंटू ये माइनस कीजिएगा तो जीरो ही आएगा, माइनस 1/2 और इसको माइनस कीजिएगा तो माइनस 1 आएगा। ठीक है, ये जीरो से मल्टीप्लाई हो तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, और ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई तो प्लस, यानी कि प्लस का 1/2 यानी कि ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये रहा हम लोग का क्वेश्चन नंबर 17 का सॉल्यूशन। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही रखते हैं, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।